हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे अपने जो है क्या बोलते हैं साम्यावस्था के, ठीक है। तो हमारा रासायनिक साम्य चल रहा था, उसके अंदर हम लोगों केपी केएक्स और इनके जो रिलेशन थे वो पढ़ लिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने सांद्रताएं कैसे निकालते हैं साम्यावस्था पर वो सब देख लिया था, और क्यू केसी में संबंध देख लिया, के की विशेषताएं देख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अभी तक सिस्टम देखे हम लोगों ने वो होमोजीनियस देखें। होमोजीनियस मतलब कि समांगी, ठीक है। मैं एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ समांगी का, उसके बाद में फिर हम लोग विषमांगी जो हमारे इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम विषमांगी साम्यावस्था उसकी बात करेंगे। एक एग्जांपल लास्ट हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो जैसे आपके पास में है कि NH3 2NH3 से N2+3H2, और तीनों ही यहाँ पर क्या है, गैस है, क्योंकि समांगी के अंदर होमोजीनियस सिस्टम के अंदर सब क्या होने चाहिए, एक ही फेस में होना चाहिए। तो ये सब गैस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनिशियली मतलब प्रारंभ में NH3 के जो है ए मोल है, NH3 हैज ए मोल एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स बराबर 20%, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो है 20%, और इनिश जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर 1 atm, ठीक है। और मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे करेंगे, या फिर एक काम करो आप, इसको P atm ही ले लो, टोटल प्रेशर P, और यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप x ही ले लो, DOD वियोजन की मात्रा जो है हम लोगों ने क्या ले ली, x ले ली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आपको देखना है कि इनिशियल आपको कितना दे रखा है, इनिशियल आपको जो मोल दे रखे हैं पी बराबर जीरो पर वो दे रखा है a, ठीक है। जब तक आपको यहाँ से वियोजन मतलब डिसोसिएशन नहीं हो जाए तब तक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देखना, ये पहले भी बोल चुके हम लोग, है ना। और ये इनिशियली है जीरो और ये भी है जीरो, ठीक है। टी बराबर इक्विलिब्रियम पर इसमें से ए में से एक्स टूट चुका होगा, एक बार यहाँ से तोड़ दिया, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक करना है। देखो कि यहाँ पर 2 mol NH3 था, तब 1 mol N2 बनता था, तो यदि यहाँ से ax टूटेगा तो ये कितना बनने वाला है, 1/2 into x, ax/2, तो ये हो जाएगा आपके पास में ax/2, ठीक है। और जब ये 2 mol NH3 था तो यहाँ पे H2 कितना बनता था, 3H2, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनने वाला है, 3/2 x, मतलब 3x/2, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर मोल आ जाएंगे सारे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लेना भूल गया मैं, यहाँ पर वॉल्यूम बराबर वी वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स टूटा, इसके बाद में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखे, रसमीकरण मिति गुणांक, 2 mol NH3 से 1 mol N2 बन रहा था, तो एक्स से कितना टूट रहा है यहाँ पर, ax/2, ठीक है, मतलब बन रहा है यहाँ पर जाके। और 2 mol NH3 से 3 mol H2 था, तो 3/2 x यहाँ पर बन गया, क्लियर। अब आपको देखना है कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन हो जाएगी a-ax/v, यहां पर हो जाएगी ax/2v, और यहां पर हो जाएगी 3ax/2v, क्लियर। ये कंसंट्रेशन आ गई, क्योंकि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल पर वॉल्यूम, ये मोल थे इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ही आ गई। और हमें यहां पे निकालना है केसी एंड केपी दोनों फाइंड करने, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन भी निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन होता है जैसे NH3 के मोल फ्रैक्शन निकालने इक्विलिब्रियम पे, तो इसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार टोटल मोल निकाल लेते हैं, एंड टोटल बराबर यहां पर होने वाला है a-x + x/2 + 3x/2, ये सारे मोल जो है इक्विलिब्रियम पर पड़े हुए हैं यहां पर, इसमें से x टूट चुका है, ये x/2 बन चुका है, ये 3x/2 बन चुका है,
इसको सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा दोनों मिलाकर 4x बाई टू, तो 2x हो जाएगा a माइनस ax, तो ये हो जाएगा a प्लस ax। क्लियर? इसको अगर आप सोल्व करो तो ये आएगा a माइनस ax अपॉन a प्लस ax, ये हो जाएगा ax अपॉन 2v, सॉरी v नहीं, x बाय टू ए प्लस एक्स, और ये भी आपके पास में हो जाएगा 3/2 ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ये आपके पास में आ गए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी के पार्शियल प्रेशर निकालने। सारी चीजें क्यों निकला रहा हूं आपको पता पड़ जाएगा अभी। अब यहां पे क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, इसके मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर पी टोटल। इसके मोल पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, इसके मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और इसके पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, इसके मोल फ्रैक्शन, ये यहां पे मोल फ्रैक्शन आएंगे इसके, इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, पी। क्लियर? अब हमें निकालना है सीधा सा केसी। केसी कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया केसी का। ये जितनी भी कंसंट्रेशन हम लोगों ने निकाली यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये कहां रख दोगे आप, वहां पे रख दोगे, N2 की जगह पे रख दोगे x बाय टू वी, H2 की जगह रख दोगे 3x बाय टू वी, और वहां पर NH3 की जगह पे क्या रख दोगे, a माइनस ax बाय वी। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज कहां रख दोगे, यहां पर रख दोगे। अब हमें निकालना है केपी। केपी बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2। ये सारे जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज आएंगी यहां पर, ये किसके लिए आएगी, NH3 के लिए, ये किसके लिए आएंगी, N2 के लिए, और ये किसके लिए आएगी, H2 के लिए। ये तीनों वैल्यूज यहां से किस में रख दोगे आप, यहां पे रख दोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, केपी भी आ जाएगा। ठीक है, अब इनिशियली NH3 के मोल अगर आपको दे दे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। ए की वैल्यू यहां से रख देना, एक्स आपको दे देगा वो, जैसे एक्स देगा वो परसेंटेज में, अगर मान लो उसे 20% दिया तो एक्स आपको कितना रखना है, 0.2 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो एक्स यहां पर रख सकते हो, वॉल्यूम आपको देगा तो यहां पर रख सकते हो कंसंट्रेशन में। क्लियर? और पी टोटल अगर आपको दे तो टोटल प्रेशर आपको क्या कर सकते हैं, यहां पर रख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये सारा सिस्टम किसका था, होमोजेनियस का। ठीक है, जिसके अंदर सभी मॉलिक्यूल जो है वो एक ही फेस में होंगे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल किस में होंगे, एक ही फेस में होंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो हम लेंगे हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस मतलब विषमांगी, ये होमोजीनियस था समांगी साम्यावस्था। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो हो जाएगा आपके पास में हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमांगी विषमांगी साम्यावस्था। तो इसकी परिभाषा जो है हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि हिट्रोजीनियस विषमांगी साम्यावस्था क्या होती है, कि जहां पर ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर साम्यावस्था आ रही हो लेकिन वहां पर सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सभी अभिकर्मक जो हैं, वो एक ही अवस्था में ना हो, मतलब एक सॉलिड हो गैस हो गैस हो, एक द्रव हो गैस हो गैस हो, या फिर एक गैस हो दो सॉलिड हो, किस मतलब सबकी एक जैसी अवस्था नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे विषमांगी हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा NH4HS, ये होता है सॉलिड, यहां पर आ जाएगा NH3 प्लस H2S। ठीक है, ये भी होगा गैस और ये भी होगा गैस। अब आपको देखना है यहां पर कि जो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम विषमांगी साम्यावस्था है, यहां पर केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो हम लोग पहले एक चीज चेक कर लें यहां पर कि हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड
एंड लिक्विड एंड प्योर सॉलिड एंड लिक्विड फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड द एक्टिविटी इज टेकन एज यूनिटी इज टेकन एज यूनिटी मतलब शुद्ध जल एवं ठोस के लिए शुद्ध जल एवं ठोस के लिए सक्रियता को इकाई लेना है इकाई लेना है ठीक है। ये आपको रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन के अंदर आपको बोला है कि इनिशियली प्रारंभ में NH4HS हैज ए मोल इन वी लीटर कंटेनर कि ए वी लीटर कंटेनर के अंदर मतलब वी वॉल्यूम वाले कंटेनर के अंदर बर्तन के अंदर NH4HS के प्रारंभ में ए मोल हैं हिंदी मीडियम वाले लिख लेना ठीक है। और इसकी वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है तथा पी टोटल बराबर पी है एंड टोटल प्रेशर इज पी देन कैलकुलेट केसी एंड केपी फॉर दिस एक्सप्रेशन ठीक है। यदि कुल दाब यहां पर पी है तो केसी और केपी ज्ञात करो। तो देखो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिख लो आप रिएक्शन हम लोगों ने लिख ली ये रही NH4HS या जाएगा ठोस NH3 गैस प्लस H2S गैस। आपको यूनिटी वहां पर कब लेना है वो मैं देखना है जो एक्टिविटी है व्हेन टेकन एज यूनिटी वो हमें देखना है। तो T बराबर जीरो पर हमें बोला है उसने कि सिर्फ किसके मोल हैं NH4HS के मोल हैं तो A मोल इसके ले लिए ये हो गया जीरो ये हो गया जीरो ठीक है। उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X दिया है इसलिए अब मुझे लास्ट में यहाँ पे X ही लेके आना है तो इसमें से कितना तोड़ने वाला हूँ मैं एम एस एक्स ताकि लास्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना जाए एक्स आ जाए। मैंने आपको बताया था लिमिटेशन लगाई थी क्लियर। तो देखो टी बराबर टी इक्विलिब्रियम पर यहां से टूटेगा ए माइनस ए एक्स क्लियर। ये कितना बनेगा ये बनेगा ए एक्स चाहे आप स्टोइकोमेट्री करके देख लेना ये भी बनेगा एक्स। अब गौर करने वाली बात यहां पर ये है कि यूनिटी अब कब लेना है यूनिटी इस जगह पर लेना है। क्यों ले रहा हूं इस जगह पर यूनिटी क्योंकि ये क्या है सॉलिड इसका काम यही खत्म हो गया इसके इनिशियली मोल दे रखे थे है ना हम लोगों को ये बनाना था बनाते किससे इससे बनाते ठीक है। लेकिन इससे बनाने के बाद में जब इक्विलिब्रियम पर ये मोल निकल गए तो मैंने इसको क्या कर लिया यूनिटी ले लिया। अब जब मैं एन टोटल निकालूंगा यहां पर इक्विलिब्रियम पर एन टोटल निकालूंगा ना तब इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा यहां पर सीधे कैलकुलेट कर इसको करूंगा इसको तो ये हो जाएंगे 2x क्लियर। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना था सॉलिड का जिसके ए मोल दिए हुए थे कि उसको यहां से डिसोसिएट करना था और इसको बना के देना था। अब इसका काम खत्म हो गया ना तो कंसंट्रेशन में आएगा ना कुल टोटल मोल के अंदर काउंट किया जाएगा ना कुल मोल में निकाला जाएगा ठीक है। अब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर इसकी तो निकालनी नहीं है क्योंकि इसको तो हम लोगों ने क्या ले लिया यूनिटी ले लिया। इसका निकाल लोगे आप ये हो जाएगा एक्स बाय वी ये भी हो जाएगा एक्स बाय वी क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन इसके निकालने नहीं है इसके मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे ए एक्स ये मोल रहे इसके ए एक्स और टोटल मोल कितना है 2x एक्स अपॉन 2x ये x से x कट गया 1/2 बचा ठीक है। ये भी इतना ऐसे हो जाएगा x अपॉन 2x x से x कट गया 1/2 बचा क्लियर। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर इसका पार्शियल प्रेशर निकालना नहीं है पार्शियल प्रेशर सिर्फ किसका निकलेगा गैसेस का निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर p ये भी हो जाएगा 1/2 इंटू टोटल प्रेशर ठीक है। ये चीजें निकल गई अब हम लोग क्या करेंगे केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे
और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो केसी बराबर आएगा NH3 की कंसंट्रेशन एक्स बाय वी, ऐसे लिख दो डायरेक्टी में एक्स बाय वी, और H2S की कंसंट्रेशन एक्स बाय वी। अब मुझे बताओ क्या आने वाला है, क्योंकि नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लेंगे नहीं, रिएक्टेंट को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो सॉलिड है। और स्टार्टिंग से बोलते आ रहे सॉलिड की जो एक्टिविटी हो इज टेकन एज यूनिटी, तो यहाँ पर लेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। केपी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर केपी में भी यही लिखेंगे, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एस थ्री पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू एस। तो ये हो जाएगा पी बाई टू, और ये भी हो जाएगा पी बाई टू, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाय फोर, तो ये आ जाएगा आपके पास में केपी। तो अगर आपको इनिशियली मोल ए की वैल्यू दी हुई हो, एक्स की वैल्यू दी हुई हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो और टोटल प्रेशर दिया हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे केसी और केपी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हिट्रोजीनियस में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो इजी है, किससे, होमोजीनियस से, क्योंकि हिट्रोजीनियस में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर यूनिटी ले ही लोगे आप, है ना, तो एक दो हमारी जो टर्म है वो कम हो जाएगी। क्लियर? अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसमें तो आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन मतलब यही रहेगा हमारे पास में, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डेटा चेंज करेंगे, ठीक है। तो डेटा हमारा चेंज होगा और रिएक्शन चेंज होगी, और रिएक्शन में लिख रहा हूं यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन CaO+CO2। ये रहेगा सॉलिड, ये रहेगा सॉलिड और ये रहेगा गैस। इनिशियली हमें CaCO3 के मोल दे रखे हैं, और कितने दे रखे हैं वो टी बराबर जीरो पे ए, ये होगा जीरो और ये होगा जीरो, ठीक है। टी बराबर इक्विलिब्रियम पर इसमें से एक्स टूट जाएगा, ये एक्स बन जाएगा और ये एक्स बन जाएगा। इनका काम यही था सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड का काम क्या था, यही था। अब इस सॉलिड को यहां से हटा दो, ये भी यूनिटी हो गया और ये भी यूनिटी हो गया, दोनों सॉलिड हो गए, ठीक है। अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है इक्विलिब्रियम पर, तो मैं ना तो इसकी निकालूंगा ना इसकी निकालूंगा, निकालूंगा सिर्फ इसकी एक्स बाय बी, और टोटल मोल भी यहां पे किसके आ जाएंगे, एक्स के। ध्यान रखना जो हटा दिए वो मोल में काउंट नहीं होंगे इक्विलिब्रियम पर। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो एक्स बाय एक्स इसके मोल इक्विलिब्रियम पर डिवाइड बाय टोटल मोल, तो यह आ जाएगा वन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा, पी, वन इंटू पी, मतलब वन मोल फ्रैक्शन इंटू पी। तो अगर आपको केसी लिखना हो तो सीधा केसी की जगह लिखोगे सिर्फ इसका कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो कितना आ रहा है वन, और केपी सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कितना आ रहा है एक्स बाय वी, और केपी बराबर कितना आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो कितना आ रहा है ओनली पी, पी टोटल, ठीक है। तो फायदा क्या हो गया आपको, यहां से टर्म्स हट गई, ठीक है, यहां से क्या हट गई बच्चों, टर्म्स हट गई, तो मजा आ गया आपके पास, ठीक है। तो हिट्रोजीनियस जो है वो होमोजीनियस से ज्यादा इजी होता है। क्लियर? अब ये तो था होमोजीनियस हिट्रोजीनियस, अब एक और सॉल्यूशन आता है, ठीक है, और एक और सॉल्यूशन का जो उसका नाम है बहुत अच्छा है, वो इंपॉर्टेंट भी है, उसका नाम है होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग बोलेंगे समांगी द्रव साम्यवस्था। समांगी द्रव साम्यवस्था के अंदर होगा ये कि यहां पर हर एक अभिकर्मक सिर्फ और सिर्फ द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। समांगी द्रव साम्यवस्था का मतलब हर एक अभिकर्मक सिर्फ और सिर्फ द्रव साम्यवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, मान लो उदाहरण के तौर पे एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया CH3COCO2H5+H2O, इस तरीके से CH3COH प्लस
C2H5OH, इसको बोलते हैं एस्टर। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये भी द्रव अवस्था में होता है, ये भी द्रव अवस्था में, लिक्विड में, ये भी लिक्विड द्रव में, ये भी लिक्विड द्रव। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर सारे के सारे अभिकर्मक या रिएजेंट लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था में हो, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम, समांगी द्रव साम्यावस्था। ठीक है, तो इसके लिए यदि मुझे केसी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? इसके लिए केसी लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH एल्कोहल, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COO C2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेंगे। अब ध्यान रखना, यहां पर कुछ भी आप यूनिटी नहीं ले सकते। अब तक हम लोग यूनिटी लेते आ रहे थे प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए, लेकिन यहां पे नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर नॉट, दिस सॉल्यूशन इज नॉट अ प्योर लिक्विड। ये यहां पर क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया एक तरीके से। ये लिक्विड द्रव, ये द्रव, ये द्रव, ये द्रव, सारे द्रव मिक्स हो गए। तो क्या बन गया है? एक मिश्रण बन गया है, मिक्सचर बन गया। और मिश्रण मिक्सचर अगर यहां पर बन गया है तो अब ये प्योर और शुद्ध नहीं रहे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इनको यूनिटी नहीं ले सकते, तो आपको सभी की कंसंट्रेशन यहां पर लिखनी पड़ेगी। क्लियर? जैसे इसी रिएक्शन के लिए इफ ईच रिएजेंट हैज, सभी अभिकर्मक की कंसंट्रेशन रिएजेंट हैज 0.1 मोल इन 1 लीटर कंटेनर, 1 लीटर के बर्तन के आयतन में। ठीक है, उसमें 0.1 मोल है सभी रिएजेंट के, मतलब एक इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका। ठीक है, तो आपको निकालना है केसी। एक और चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट अ प्योर बिकॉज इट इज अ मिक्सचर, सो नॉट टेकन एज यूनिटी। ये अब क्या है? यहां पर एक मिश्रण बन चुका है जो शुद्ध नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, केपी इज नॉट एप्लीकेबल, केपी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर लिक्विड। यहां पर केपी मान्य नहीं है क्योंकि ये क्या है? सारे के सारे द्रव हैं। और अगर ये द्रव हैं, क्योंकि केपी किसके लिए निकाला जाता है? आंशिक दाब के लिए निकाला जाता है, पार्शियल प्रेशर किसका? गैसेस का। तो अगर गैस ही नहीं है तो फिर आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? तो केपी यहां पर नहीं निकाल पाओगे। निकालना क्या है? सिर्फ केसी। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स बराबर आप ले लेना 10%। ठीक है, इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल वही, इनिशियली टी बराबर जीरो पर, अब टी बराबर जीरो नहीं है ये, मैं बता चुका हूं आपको, उसने सभी जितने भी रिएजेंट दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 0.1। आप एक काम करो, 0.1 से हटा के 1 ही कर लो इसको, 1 मोल। ठीक है, सभी के कितने मोल दे रखे हैं? 1, 1, 1 और 1। ठीक है, वहां से यहां लिख रहा हूं मैं 1, 1, 1, 1। क्लियर, और टी बराबर इक्विलिब्रियम पर इसमें से 1 माइनस एक्स होगा, इसमें से भी 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट, इसमें x जुड़ जाएगा और इसमें भी x जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली कितने हैं ये सब? 1, 1, 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इधर से डिसोशिएट होगा, उधर की साइड क्या हो गया? जुड़ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है? 1 लीटर। और डिग्री ऑफ डिसोशन कितना दे रखा है भैया आपको? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन दे रखा है 0.1। ये देखो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 0.1। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? 0.1 रख दो, ये हो जाएगा 0.9/1, वॉल्यूम आ गया 1 लीटर। ये भी हो जाएगा 0.9/1, ये हो जाएगा 1.1/1। कैसे निकालना है? इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखनी है, CH3COOH की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? 1.1। इधर भी कितना आ रहा है? 1.1। नीचे कितना आ रहा है? 0.9 × 0.9, क्योंकि 1, 1 तो सब हट गए,
ठीक है। ये वॉल्यूम भी क्या हो गया यहां पे वन, ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएंगे यहां से, ये डेसिमल, ये हटा ये हटा ये हटा, ये हो जाएगा 11 इंटू 11 121 बाय 81। तो ये आ जाएगी आपके पास में केसी की वैल्यू, क्लियर। तो ये था हमारे पास में समांगी द्रव साम्यावस्था, होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो यहां पर एक तो यूनिटी नहीं लेना, दूसरी बात केपी एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। ये था यहां पर हमारे पास में आज के दो टॉपिक। अब कल जो है हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर। आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।